मैं सबको इतना ही कहना चाहूंगा कि उड़ीसा के हर डिस्ट्रिक्ट प्लीज, हर डिस्ट्रिक्ट जयराम समेसर घूम चुके हैं गाड़ी से, और हर डिस्ट्रिक्ट का कैप्टन और हर डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर का नाम भी जानते हैं, अनलाइक कैपिटल कैपिटल। हमारे नेता राहुल गांधी जी कल बोलंगीर आ रहे हैं, सिर्फ एक ही किताब को लेकर प्रचार कर रहे हैं। जैसे नवीन बाबू कहते हैं अपना माने खुशी तो, हम लोग उसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि नवीन बाबू तो सिर्फ एक ही लाइन बोलते हैं। हमें बहुत खुशी है कि AICC के महासचिव, कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया के चेयरमैन आदरणीय जयराम रमेश सर आज उपस्थित हैं। जयराम जी का परिचय देना किसी के लिए भी कोई किसी तरह की आवश्यकता नहीं है, बट मैं पुनः जो है उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो है टाइम निकाल करके ये प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। मैं सबको इतना ही कहना चाहूंगा कि उड़ीसा के हर डिस्ट्रिक्ट प्लीज, हर डिस्ट्रिक्ट जयराम समेसर घूम चुके हैं गाड़ी से, और हर डिस्ट्रिक्ट का कैप्टन और हर डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर का नाम भी जानते हैं, अनलाइक कैपिटल। उसके अलावा प्रसाद जी हमारे XPCC साहब हैं, हमारे सीनियर लीडर खुंटिया साहब हैं, विश्वरंजन जी हमारे चेयरमैन, शिवानंद बाबू, रितु जी हमारे कलीग, छोटे भाई प्रभात जी हैं। अब मैं सीधा जो है माइक जयराम जी को देता हूँ और आप सब लोग को संबोधित करेंगे। नमस्कार साथियों, प्रधानमंत्री के एंटायर पॉलिटिकल साइंस में हर ज़िले में कैपिटल होता है, हेडक्वार्टर नहीं होता। हाँ तो मुझे बहुत खुशी है कि आज मुझे मौका मिला है आप सबसे मिलने का। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में लोकसभा चुनाव के साथ साथ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा में विधानसभा के लिए भी चुनाव हो रहे हैं। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि विधानसभा के संदर्भ में उड़ीसा में इस चुनाव में ये सिर्फ मुकाबला कांग्रेस वर्सेस BJP BJD है, क्योंकि BJP और BJD एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इनमें कोई फर्क नहीं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नकली बॉक्सिंग मैच करते हैं, पर असली बात यह है कि पिछले 10 साल से हमेशा पार्लियामेंट में BJD ने BJP का साथ दिया है। इतना तक ही नहीं, BJD ने एक BJP राज्यसभा सांसद को भी जितवाया है जो आज मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में मंत्री है। तो BJP और BJD के बीच में कोई फर्क नहीं है। BJP को वोट देना, BJD को वोट देना, BJD को वोट देना, BJP को वोट देना। पिछले 10 साल में जो किसान विरोधी कानून लाए गए हैं, जो आदिवासी विरोधी कानून लाए गए हैं, जो पर्यावरण और वन संरक्षण के खिलाफ जो कानून बनाया गया है, उसका पूरा समर्थन BJD के सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा में किया है। आज कहना कि BJP अलग है और BJD अलग है, ये बिल्कुल गलत है, ये झूठ है। संसद में ओडिया भाषा को लेकर मैंने खुद 16 मार्च 2020 को एक भाषण दिया था कि मोदी सरकार के कार्यकाल में संस्कृत भाषा के लिए 650 करोड़ रुपया खर्च किया गया है, पर उड़िया भाषा के लिए बिल्कुल जीरो। मनमोहन सिंह जी के समय
छह भाषाओं को क्लासिकल इंडियन लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था, संस्कृत, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु और उड़िया। 2014 फरवरी में, और मैं आपको डेट भी बता सकता हूँ, 20 फरवरी 2014 को मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, ओडिया भाषा को क्लासिकल इंडियन लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। पर 10 साल में ओडिया भाषा को कोई प्रोत्साहन नहीं किया गया, और यहाँ की सरकार से, यहाँ के सांसदों से कोई आलोचना नहीं हुई। मुद्दा मुझे उठाना पड़ा राज्यसभा में। तो पहली बात तो यह है साथियों, बीजेपी और बीजेडी बिल्कुल फर्क नहीं है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मिले हुए हैं, ये नकली बॉक्सिंग मैच कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री की आलोचना करते हैं, मुख्यमंत्री कुछ वीडियो बनाते हैं, ये सब दिखावा है, ये सब झूठ का खेल है। तो असली बात यह है कि ओडिशा की जनता के सामने एक ही विकल्प है, एक ही चॉइस है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी और दूसरे तरफ इस गठबंधन, बीजेपी बीजेडी का गठबंधन। ये तो गठबंधन है और कुछ नहीं। दूसरी बात, ये जो चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के लिए, अब तक 379 सीटों का चुनाव हो चुका है, चार चरण में चुनाव हुए हैं अब तक, 379 सीटों का चुनाव हो गया, और चार चरणों के बाद ये बिल्कुल साफ हो गया है कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ, और उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में, पश्चिम भारत में, मध्य भारत में बीजेपी हाफ। दक्षिण में साफ, उत्तर, पूर्व और पश्चिम में हाफ। तो बिल्कुल चार चरण के बाद, 379 सीटों के बाद ये बिल्कुल साफ हो गया है कि इंडिया गठबंधन को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलेगा 4 जून को। जो आज प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री कहते हैं, जगह जगह घूमते हैं, उड़ीसा भी आएंगे, ये आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर है, ये निवर्तमान प्राइम मिनिस्टर है। 4 के बाद इनका टाटा बाय बाय होना बिल्कुल दीवार पर लिखा गया है। अभी 3 बाकी हैं, पर 4 के बाद, 4 के बाद ही साफ हो गया है। तीसरी बात जो मैं कहूँगा कि इस चुनाव में हमारे नेता राहुल गांधी जी कल बोलंगीर आ रहे हैं, सिर्फ एक ही किताब को लेकर प्रचार कर रहे हैं। ये किताब है वो, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान। और खड़गे जी हमारे अध्यक्ष और राहुल जी हमारे नेता दोनों कह रहे हैं कि ये संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि आज धन तंत्र चला रहा है सरकार को, लोकतंत्र नहीं चला रहा। तो इस संविधान को सुरक्षित रखने के लिए ये चुनाव हम लड़ रहे हैं। आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए हमने 5 25 गारंटियां दी हैं, नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। और विधानसभा चुनाव में हमारे पार्टी की ओर से अलग से हमने 10 गारंटियां दी हैं। हिंदी में हमने कहा है हाथ बदलेगा हालात, उड़िया में हमने कहा है हाथों बदलावे स्थिति। तो ये हमारा चुनाव अभियान है। एक तरफ प्रधानमंत्री की भाषा,
बिल्कुल साफ हो गया है कि वो भोकलाए हुए हैं, परेशानी में हैं। अभी अडानी अंबानी और टेम्पो की बात कर रहे हैं, कभी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, मुस्लिम लीग की बात करते हैं। उनके भाषा में जो परेशानी हम देख रहे हैं, वो जान गए हैं कि जनता उनसे नाराज़ है, किसान नाराज़ हैं, युवा नाराज़ हैं, श्रमिक नाराज़ हैं, महिलाएं नाराज़ हैं और पिछड़े वर्ग नाराज़ हैं। तो ये चुनाव हमारे लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले 10 सालों में जो हमने देखा है, हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति, हमारे राज्यों की स्थिति, इससे बिल्कुल साफ हो गया है कि बदलाव का वक्त अभी आ गया है। और देश में अलग अलग राज्यों में ज़मीनी स्तर पर हमारे बीजेपी या प्रधानमंत्री के पक्ष में कोई लहर नहीं दिखाई दे रही है, कोई ऐसा वेव नहीं है। प्रधानमंत्री के भाषा में सिर्फ जहर है, लहर नहीं, सिर्फ जहर। तो साथियों, अंत में मैं हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री से 4 या 5 सवाल करना चाहता हूँ, ये जवाब दें। हमारे देश में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है जो 24 साल शासन में रहे हैं और उन्होंने एक शब्द नहीं बोला है। ये तो बिल्कुल मौनी बाबा के मौनी बाबा निकले। मैं उनसे सिर्फ सीधा सवाल करना चाहता हूं, क्या ये सच नहीं है, पहला सवाल, क्या ये सच नहीं है कि आपने बीजेपी को 100% समर्थन दिया है दिल्ली में? जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, जब हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे, रहे हैं, अभी तो होने वाले, जाने वाले हैं, इसीलिए मैंने थे का इस्तेमाल किया। क्या ये सही नहीं है कि आपने, बीजेडी ने, बीजेडी के सांसदों ने बीजेपी का 100% समर्थन दिया? दूसरा सवाल ये है, क्या ये सच नहीं है कि जब किसान विरोधी कानून आए पार्लियामेंट में, जब आदिवासी विरोधी कानून आए पार्लियामेंट में, जब श्रमिक के खिलाफ न्याय आए, जो लेबर कोड आया, क्या बीजेडी ने बीजेपी का समर्थन किया कि नहीं? क्यों आपने विरोध नहीं किया? किसान विरोधी कानून, आदिवासी विरोधी कानून, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, पेसा, ये सब कानून जो कांग्रेस के जमाने में बनाया गया था, क्यों आपने इसका समर्थन दिया? इसको जो संशोधन ला रहे थे मोदी सरकार, इसका आपने विरोध क्यों किया? तीसरा सवाल मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री से, क्या आप सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना के पक्ष में हैं कि नहीं, ये बताइए। क्या आप कास्ट सेंसस का समर्थन करते हैं या नहीं? सीधी बात है, कास्ट सेंसस इतने ज़रूरी है, हमारे देश में शेड्यूल कास्ट दलित, शेड्यूल ट्राइब आदिवासी और पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी की संख्या क्या है, यही तो जनगणना बताएगा, यही तो सेंसस बताएगा। और इस किताब में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, बाबा साहब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन में, कि सामाजिक न्याय आरक्षण के आधार पर दिया जाएगा। और आरक्षण किसके आधार पर तय किया जाएगा? पॉपुलेशन के आधार पर, आबादी के आधार पर। और बिना कास्ट सेंसस का आप कैसे जानेंगे हमारे देश में दलितों की कितनी संख्या है, आदिवासियों की कितनी संख्या है, पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी की कितनी संख्या है? तो क्या, मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ,
कि क्या आप कास्ट सेंसस का समर्थन करते हैं या नहीं। चौथा सवाल जो मैं पूछना चाहता हूं इस मुख्यमंत्री से कि 1992 में 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि आरक्षण दलित आदिवासी और ओबीसी के लिए 50% की सीमा होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने अपने गारंटी में कहा है कि हम इस 50% की सीमा को बढ़ाएंगे, यानी कि दलितों को, आदिवासियों को और ओबीसी को पूरा हक मिलेगा रोजगार में और शिक्षा की संस्थाओं में। पर आज वो सीमा, सीलिंग, लिमिट 50% है। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस 50% की सीमा को बढ़ाने के पक्ष में हैं कि नहीं। और मैं भी आज भी याद दिला दूं यहां के मुख्यमंत्री को कि हमारे देश में एक ही स्टेट है, एकमात्र राज्य है जहां रिजर्वेशन 69% है, 69% है, और वो इस कॉन्स्टिट्यूशन से सुरक्षित है, 9वीं सूची में है, 9th शेड्यूल। एक ही स्टेट का कानून। बार बार हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार इन कानूनों में संशोधन ला रही है, उसको बदल रही है, पर यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक सब लोग चुप हैं, इसका विरोध नहीं करते हैं। इसका कारण है ये लोग सब यहाँ के चिटफंड घोटाले और माइनिंग घोटाले में शामिल हुए हैं। ओडिशा में चिटफंड नहीं है, चीट फंड है। ये चिटफंड नहीं है, ये चीट फंड है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नेता, ज़्यादा से ज़्यादा विधायक, सांसद सभी मिले हुए हैं, इसीलिए ये लोग सब चुप हैं। क्योंकि अगर वो कुछ बोलने लगे तो उनके पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स छोड़ा जाएगा। तो अंत में साथियों, ये चुनाव कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ रही है। हम जानते हैं कि 30 साल हो गए हमारी सरकार नहीं है उड़ीसा में, 24 साल हो गए 1999 से, पर हमें पूरा विश्वास है कि उड़ीसा के युवा जो बेरोजगारी से तंग है, उड़ीसा के किसान जो पीड़ित हैं, जिनको MSP नहीं मिल रहा है, जो कर्जा का बोझ से मारे जा रहे हैं, और उड़ीसा के आदिवासी का अधिकार जो छीना गया है, ये सब मिलकर, और यहाँ के दलित की आबादी भी और महिलाओं की आबादी भी, सब मिलकर कांग्रेस को फिर से जनादेश देगी। याद रखिएगा, हमारा सबसे महत्वपूर्ण गारंटी ये है कि हर एक गरीब परिवार में एक महिला को 1,00,000 रुपया सालाना उनके बैंक के खाते में जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण गारंटी है। और दूसरा महत्वपूर्ण गारंटी ये है कि जो कोई युवा डिप्लोमा लेता है, जो कोई युवा डिग्री लेता है, उसको पहली नौकरी हमने पक्की कर दी है। अप्रेंटिसशिप कानून लाया जाएगा और 1,00,000 रुपया का मुआवजा 1 साल के लिए दिया जाएगा। तो इन गारंटियों के आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। ये परिवर्तन का चुनाव है, बदलाव का चुनाव है। हम असली लड़ाई लड़ रहे हैं, BJP के माफिक नकली लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। ये BJP, BJD ये नकली लड़ाई लड़ रहे हैं आपके इसके बीच में। असली बात तो ये है कि एक तरफ कांग्रेस और दूसरे तरफ या गठबंधन BJD और BJP का। हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट जनादेश मिलेगा लोकसभा में,
इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और उड़ीसा की जनता विधानसभा के लिए भी अपना विश्वास फिर से कांग्रेस पार्टी पर ही रखेगी, क्योंकि किसान, श्रमिक, आदिवासी, युवा, महिलाएं, बस हो गया मोदी सरकार के 10 साल का अन्याय और 24 साल नवीन बाबू का नौटंकी और जो चुप्पी इन्होंने नहीं तोड़ी है, जिसके कारण उड़ीसा में गरीबी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, आदिवासी और भी पीड़ित हैं और हर 3 उड़िया में से 1 उड़िया आज उड़ीसा के बाहर जाता है रोजगार ढूंढने के लिए। उड़ीसा में उनको रोजगार मिलने की कोई गुंजाइश नहीं।